कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही सेना महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेना कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर EWEC जो कि शरीफाबाद इलाके में है। इसमें महिलाओं को कश्मीरी पारंपरिक सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। 2013 में बनाए गए इस सेंटर से करीब 1300 महिलाएं ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और दूसरों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। सेंटर के इंचार्ज के अनुसार इस सेंटर में करीब 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसका खर्च सेना उठाती है। यहाँ महिलाओं को शॉल, सूट, फिरन आदि बनाना सिखाया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। शफीका यहाँ कई सालों से काम कर रही हैं, क्या कहना है उनका सुनिए। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं आजकल, पहले सीख रहे हैं, आजकल 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या क्या काम आपके यहाँ? शॉल, सिटॉल, जो भी काम है सूट का कढ़ाई हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं, शॉल बनाते हैं, सूट बनाते हैं, कुर्ती, कफ्तान, फैरन जो भी यहाँ पे मिलता है हम बनाते हैं। हमें इससे बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पर सेना कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर हर एक सुविधा दे रही है। यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाए गए माल को भी बेचने में सेना मदद करती है। इसके बदले जो भी पैसा आता है वो इन महिलाओं को दिया जाता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।